हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी गुड वाइब्स के क्लींजिंग लोशन का। अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा विद डेमो के साथ। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, ये मेरे खुद से पैसों से खरीदा हुआ एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू की इसकी खामियां भी बताऊंगी जो अदर यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी अपरली पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, गुड वाइब्स का इसमें लोगों तो दे रखा होता है और काफ़ी छोटा नहीं है। इसमें आपको 120 ml का प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये रसबेरी एंड पेपरमिंट शाइन इन केस मेकअप क्लींजिंग लोशन है जो कि बिल्कुल सच है, ग्लो आता है आपकी स्किन के ऊपर और नो पैराबिन है, नो सल्फेट है और क्रूली फ्री है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो ग्लिसरीन है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ये सब आपको इंग्रेडिएंट इसमें मिल जाएंगे। हाउ टू यूज़ है, तो ये आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगा के कॉटन टिश्यू के साथ रिमूव कर सकते हैं। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो 199 है, बट मेरे को 175 में डिस्काउंट मिल चुका था और शेल्फ लाइफ इसकी 2023 तक है। तो पम बेस में ये आता है प्रोडक्ट जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। इसके नुकसान भी हैं जो मैं आपको आगे आगे चल के बताऊँगी क्या इसके नुकसान भी हैं। तो आप देख सकते हैं अपरली पैकिंग में सिर्फ ये लिख रखा है और मिंट है इसमें अंदर और रसबेरी है, तो काफ़ी पिंकिश इसका कलर है। रोज़ अगर आप लगाएंगे, जैसे रोज़ होता है गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, वैसी इसकी फ्रेगनेंस है जो कि बहुत तेज़ नहीं है, हल्की सी माइल्ड है, बट इट्स ओके, चल जाती है। बट अगर आप फेस पे लगाते हैं, आपको फेस की थोड़ी सी एलर्जी है किसी तेज स्मेल से, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लाइक रोज पेटल्स जैसी। तो चलिए मैं आपको डेमो दिखाते देती हूँ। आप मेकअप करते हैं, आप लाइनर मस्कारा वगैरह सब कुछ लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, फाउंडेशन सब कुछ, तो ये उन सब के ऊपर रिमूव करने के लिए काम करता है। क्लींजर मिल्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छी कंपनी का क्लींजर मिल्क तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हैंड पे बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगा लिया है। अगर वो लिपस्टिक आपने देखनी है रिव्यू, तो वो भी मेरा चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिपस्टिक कौन सी है और मिनी पैक है तो अंडर 300 में है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप देख सकते हो मैंने 1-2 स्ट्रोक पंप कर दिया है हमारा क्लींजर मिल्क और मैं अब इसको अच्छे से रब कर दूंगी। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है, क्योंकि मैं भी इसके पहले यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बट वो दूसरा फ्लेवर था, वो ग्रीन टी का खुश था, बट ये रोज़ बेरी और पेपरमिंट मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है, बहुत ही नीटली इसने क्लीन किया है विदाउट एनी मार्क, कोई भी मार्क नहीं छोड़ा है स्किन पे, तो स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट और सफल हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। तो इसमें आपको लिखा है शाइन इनहेजिंग, तो शाइन इनहेजिंग बिल्कुल ठीक है, आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लो करने लग जाएगी फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छे से आप इसको लगा के और वाइप्स के साथ या फिर टिश्यू के साथ, सॉफ्ट टिश्यू के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, देन अपना फेस वॉश और जो भी आपका डेली रूटीन है आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका रिव्यू। इसका एक नुकसान जो मैं आपको बता रही थी पैकेजिंग का, वो ये है कि अगर आप जैसे ही पंप में से प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट बच जाएगा, जो अगर आप कहीं बाहर हो आपके बैग में लग जाएगा या फिर इधर किसी भी चीज़ के ऊपर आपको ख़राब कर सकता है। तो ये आपको 100% ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे से क्लीन करें इसके कैप को और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बंद करें। बंद करने का कुछ तरीका नहीं है। अगर तो ये है मेरे रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, जो आपको पेड यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, वो इनकी तारीफ़ करेंगे। पैकेजिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, स्मेल में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल है एंड काफ़ी अच्छा है, वैसे सॉफ्ट है और स्किन भी ग्लो करती है। अगर आप गुड वाइब्स के या मामाअर्थ के या किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से डेफिनेटली ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी। तो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।